मेरा नाम इमरान है। मेरे हस्बैंड का दंगों में इंतकाल हुआ था, मोहम्मद मुदस्सिर खान। मेरे हस्बैंड मेरी बेटी के स्कूल गए हुए थे मौजपुर, विक्टर पब्लिक स्कूल में मेरी बेटी पढ़ती थी, फीस जमा करने के लिए। 24 तारीख को वो गए हुए थे। फिर आधा घंटे के बाद उनका फ़ोन आया था कि यहाँ पे दंगे होने लगे, पथराव होने लगा। वो वहीं पर रुक गए थे, रात वो वहीं पर रुके किसी दोस्त के यहाँ पे। 25 तारीख को सुबह में फिर उनकी कॉल आई थी, दंगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा होने लगे थे, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे, बहुत पथराव हो रहा था। फिर हमने मना कर दिया, कभी मत आना, दोनों तरफ के रास्ते बंद कर दिए थे वहाँ के, जो जहाँ पे था वहीं पर रुकने को बोल दिया था। फिर 1:30 बजे करीब वो नमाज के बाद मस्जिद में से आए और मेरे पास कॉल आई थी, वीडियो कॉल करी थी उन्होंने 5 मिनट पहले कि मैं घर आना चाह रही हूँ अपने बच्चों के पास, यहाँ पे बहुत दंगे हो रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। 25 को जी, 25 तारीख को फिर हमने मना कर दिया कि बहुत परेशानी हो रही है वहाँ पे, तुम मत आओ अभी। आप थोड़ी देर के बाद ही किसी और से हमें पता चला कि उनकी गोली लग गई है। फिर हमने कॉल किया तो वो फ़ोन किसी और ने रिसीव किया, बोले इनके गोली लग गई है, लेकिन ये नहीं बताया कि इंतकाल हो गया था उनका। बोले अभी हॉस्पिटल लेके जा रहा है उन्हें और गोली लगी भी है, वैसे ठीक है, बस यही बोला। लेकिन बाद में पता चला कि वो 5 मिनट के बाद ही ख़त्म हो गए थे। तो क्या पता चला पुलिस ने, कौन लोग थे गोली चलाने वाले? ये तो अभी पता नहीं है कौन लोग थे उसमें, सभी लोग थे, पुलिस भी थी, दंगा करने वाले भी थे। किसने मारी, क्या हुआ, वो तो हम नहीं कह सकते। जो हुआ बहुत बुरा हुआ सभी के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जी, सरकार की मदद मिली उससे क्या होता है, बच्चों का साथ है, 8 बेटियां हैं, इनकी पढ़ाई है, बाकी बहुत सारी परेशानियां हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं। जो सरकार ने करवाया वो अच्छा नहीं था, उससे कोई भरपाई थोड़ी होती है पूरी ज़िंदगी का, बहुत परेशानी होनी। बहुत अच्छा था घर में, बच्चे अच्छे स्कूल जा रहे थे, लेकिन अब सब कुछ ख़राब हो गया। बस मुझे ये कहना है कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, और ये कब नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। बहुत घर बर्बाद हुए हैं, बहुत बच्चों के सर से साया उठ गया। मेरे शोहर का नाम आस मोहम्मद था, वो मेहनत मजदूरी करते थे। वो गए थे 25 फरवरी 2020 को, घर से गए थे शाम के टाइम, फिर वो वापस ही नहीं आए। फिर वो ये मेडिकल से दवाई लेने के लिए गए थे, 13 दिन में मिले थे वो। 13 दिन में जी डेड बॉडी मिली थी उनकी नाले से पुलिस वालों को। तो हमने काफ़ी ढूंढा उन्हें, हमें कहीं से कोई पता नहीं चला। फिर कोई पुलिस वाले थे उन्होंने बताया था, तो फिर जब मिले थे GTV से लेकर आए थे। नहीं, हमें तो ये कहा कि हमें तो नाले में बॉडी मिली थी, पत्थर बंधा हुआ था उनके पेट से और पानी में पड़े थे। पुलिस ने बात करी थी, बता रहे हैं कि जिन लोगों ने मारा, अब ये तो नहीं पता सर किसने मारा उस दंगा में, किसको कह सकते हैं किसको नहीं कह सकते, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सब लोगों को मार रहे थे। ये पुलिस ने आपको कहा? जी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर खर्च, आदमी की जगह बाप की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता। वो थे तो हमें टेंशन नहीं थे, अब रात दिन परेशानी में से गुजरना पड़ता है। सरकार कुछ भी ना, तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी अपने उठा ले तो थोड़ा हम पे भी हल्कापन महसूस होगा, कि हम भी इतना एडजस्ट नहीं कर पाते, बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल पड़ता है। या तो घर खर्च चला लें, या बच्चों को ही पढ़ा लिखा लें। सरकारी में भी बच्चे पढ़ते हैं तो ऊपर के खर्चे भी तो बच्चों के बहुत होते हैं, किराया लाना ले जाना। मेरा नाम नीतू है, और 24 तारीख की रात को दुकान बढ़ा के आए थे, तो उसी टाइम खाना वाना खा के तभी एकदम हल्ला सा मचा था लड़ाई का, तो ये लोग बाहर निकले थे, घर के सब थे, गली के भी थे, सब अपने बचाव के लिए निकले थे। तो उसी टाइम सुबह 4 बजे के टाइम फिर दोबारा से आए लोग, तो ये फिर घर से निकले और थोड़ी से उधर से फायरिंग हुई, और तभी उसी बीच में गोली लगी इनके, तो उसी टाइम लगी थी। फिर अस्पताल ले गए GTV में, वहाँ रहे थे 10 दिन, फिर 5 मार्च को कान में डेथ हो गई थी इनकी। कितनी गोली लगी थी?
एक लगी थी, वो भी पता ही नहीं, डॉक्टरों ने तो बोल दिया था निकल गई, मगर निकली नहीं थी वो बाद में रीढ़ की हड्डी में निकली थी पोस्टमार्टम के टाइम पे। उन्होंने भी सही से नहीं बताया था कि कान में गोली निकल गई है, बाद में पता चला था पूरी गोली निकली थी रीढ़ की हड्डी में। हाँ देखो, अब डॉक्टरों ने तो बोल दिया था उस टाइम, मगर पता ही नहीं चला जब पोस्टमार्टम हुआ, जब दिखाई थी उन्होंने गोली, कि गोली निकली नहीं थी आपके इसमें से, बॉडी में से। हाँ जब तो कहते थे हमें हो गया था कि निकल गई होगी, जख्म हो गया था काफ़ी, तो उसकी वजह से उनसे सांस नहीं लिया जा रहा था, तो बातचीत तो कोई हो ही नहीं पा रही थी हमारी। जिस टाइम से रात को खाना खाए थे ना, उसी टाइम की बातचीत हुई हुई थी, उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई थी। तो उस वक्त क्या बातचीत हुई थी आपसे? वही बता रहे थे कि मैं ऐसे ऐसे होने वाला है, कैन में आज कैन में बाहर देखना है, कैन में ऐसे ऐसे दंगे होने वाले हैं, क्योंकि दिन में भी हुआ था इधर सिलमपुर की साइड में, तो वही सब बातें कर रहे थे हम। फिर एकदम से जैसे खाना वाना खा के निमटे, तभी एकदम से हल्ला हो गया, आ रहे आ रहे, तो सभी निकले थे गली के, तो ये भी निकल गए थे देखने के लिए भारी। कमाई का तो कुछ भी जरिया नहीं है, आपको पता ही है, सब्जी में तो कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि कच्चा सामान होता है, कभी तो मिल गया कभी नहीं मिला, उसमें कुछ बस चल रहा है ऐसे ही। और उनके जाने के बाद मैं ही बेच रही हूँ सब्जी, पापा के साथ में खड़ी होती हूँ, लगवाती हूँ, वो उसी से ही थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा है, बाकी तो ऐसे ही चल रहा है बस। अब मुश्किल तो है ही, अब क्या करना है, बाहर भी देखना, बच्चों का भी देखना, इनकी पढ़ाई का भी देखना, हर चीज़ देखी जाती है, सारे काम करने हैं। अब इन पे ध्यान नहीं देंगे बच्चों पे, तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? केस का क्या हुआ? केस का तो सर पता नहीं मेरे को, जब तो आए थे पुलिस वुलिस वाले उस्मानपुर में, कैन में ले गए थे रिपोर्ट रिपोर्ट करके, उसका पता ही नहीं चला कुछ। FIR हुई? हाँ जी, FIR हुई थी। हाँ। उसमें गिरफ्तारियाँ हुई? नहीं जी, उन्होंने छानबीन करी ही नहीं है, वो हमसे पूछते हैं उल्टा, तुम बताओ किसने क्या करा, तुम्हें किसी पर शक है? अब मुझे नहीं पता, क्योंकि उस टाइम इतने लोग थे, किसने चलाई किसने नहीं पता, यहाँ का था बाहर के थे, पता ही नहीं कुछ मुझे। मनोज तिवारी जी भी आए थे इधर अपने यहाँ पुलिया पे, वो आए के अग्रवाल, वो भी आए थे, उन्होंने बाद कैन में बोला था कि जब तक अगर तुम्हारा काम नहीं लग रहा तब तक मैं तुम्हारे को खर्चा देऊँगा, मगर उन्होंने भी दो तीन बार दिया, फिर हाथ जोड़ लिए कि मेरे पास नहीं है। अब सर यही है कि इन सब की मिली भगत होती है इनमें, यही लोग करवा देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं, यही सब इन्हीं के काम होते हैं, इन्हीं के लोग होते हैं ये। अब पब्लिक का क्या है, पब्लिक तो घर बेकार हो गए सबके, मगर अब इन लोगों का क्या है, ये तो अपने परिवार में बैठे हैं आराम से। अब धोखा तो है ही, साफ ही दिखता है कि घर पे आके कुछ कह जाते हैं, फिर उनके ऑफिस जाओ तो वो कुछ और बोलते हैं, फिर वहाँ पे बात भी नहीं करते सही से। मेरा नाम सुनीता है, वो सुबह दूध लेने गए थे, अब ऐसे पता नहीं था कि लड़ाई हो जाएगी, दूध लेने गए थे, फिर वापस नहीं आए लौट के, वो सुबह के टाइम पे गए थे, 7-8 बजे गए थे। एक हमारे जान पहचान वाला भनेज लगते वो, तो उनने बताया था कि ऐसे क्या कहते हैं, मामी लगती ना, तो कह रहे मामी हमने यहाँ देखा था जाते हुए, तो मैंने कहाँ पे गए थे ये भी नहीं पता चला, कहाँ किसके संग गए थे किसके संग नहीं, देख ही नहीं पाए हम लोग। फिर वो ढूँढने लगे, जब पता चला हम लोग को, हम ढूँढने लग गए, फिर पुलिस वाले कंप्लेंट नहीं लिख रहे थे उस टाइम, पुलिस वाले कंप्लेंट ही नहीं लिख रहे थे, फिर वीडियो वाले ने चैनल वाले आए थे, वो कंप्लेंट लिख के ले गए, तब उसमें लिए थे। हाँ फिर वो केस लिख के फिर दो, फिर बोले हम सारे में देखे, GTV में देखे, सब में देखे, कहीं नहीं मिले, फिर वहाँ देख के आए दूसरे वाले GTV में, एक शनिवार को 31 तारीख को देख के आए थे, उसी में ही थे, वेलकम थाने से मिली थी लास्ट। हाँ वेलकम, पुलिस वाले बोले रहे हमें ऐसे देंगे ही नहीं, वेलकम से मिला है, मैंने कहा हमें क्या पता कहाँ से लेके आए आप, हमें तो पता ही नहीं, ना कोई फ़ोन नंबर ना फ़ोन कुछ भी नहीं था इसके पापा पे। अब सोचेंगे जब वो तो आएंगे नहीं, देख कैसे भी कर लो, कितने भी सोच लें जब तो आदमी आने वाले नहीं।